नमस्कार दोस्तों, अभी की बड़ी खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है साथियों, सीएसपी को गोली मारी गई है। अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है साथियों, अपराधियों के कम व क्राइम कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अभी की खबर निकल कर आ रही है वो समस्तीपुर से निकल कर सामने आ रही है। तो साथियों आपको पूरी जानकारी देंगे, निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी। खबर है समस्तीपुर में अपराधियों का मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक बार फिर बेकूफ अपराधियों ने सीएससी संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया और 3 लाख रुपए का भरा बैग लेकर फरार हो गया। मामला जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जितवरिया पंचायत स्थित लक्ष्मरामपुर गांव के कब्रिस्तान की बताई जा रही है, जहां एक बाइक पर सवार 3 बेकूफ अपराधियों ने सीएससी संचालक को सुनसान जगह पर रोक उसके रुपये लूटने का, जिसका सीएससी संचालक द्वारा विरोध किया गया तो अपराधियों ने उसके पीछे से गोली मार दी, जिससे सीएससी संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद सभी अपराधी रुपये के भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आस पड़ोस के लोग मौके पर जुटे और जख्मी सीएसपी संचालक को इलाज के लिए समस्तीपुर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। जख्मी सीएसपी संचालक की पहचान चकमेहसी थाना क्षेत्र के जगदीश पारण निवासी रघुनाथ शाह के पुत्र मंटून कुमार के रूप में हुई है। सूत्रों की माने तो जख्मी सीएसपी संचालक अपने घर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीएसपी शाखा चलाता था। बैग वगैरह वो सेंट्रल बैंक टारा आया था। शाम के जाने के समय उसकी बाइक पर गांव की ही एक महिला अपने बच्चों के साथ उसके पीछे बैठ गई। हालांकि वो अपना घर लौट रहा था, परंतु मधुरापुर टारा चौक पर उजरे रंग की अपाची गाड़ी पर 3 बदमाश उक्त सीएसपी संचालक का पीछा करना शुरू कर दिए थे। सुनसान स्थान कब्रिस्तान के समीप उसे रुक कर लूटपाट करने की कोशिश करने लगे, जिस पर विरोध किया सीएसपी संचालक द्वारा की गई तो अपराधियों ने उन्हें पीछे से गोली मारते हुए बगल में गड्ढे में गिरा दिया और महिला सड़क पर गिर गई, जिसके बाद रुपये से भरा बैग लेकर अपराधी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 3 लाख रुपये होने की बात बताई गई है।